तखतपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने भाजपा पार्षदों के साथ कलेक्ट्रेट दफ्तर का घेराव किया और राशि आवंटन की गुहार लगाई। वार्ड क्रमांक 2 के वार्ड पार्षद नैनलाल साहू ने बताया कि भाजपा पार्षदों के वार्ड के हितग्राहियों के आवास योजना की राशि साजिश के तहत रोक दी गई है और कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों पर आवंटन का बंदरवाट किया जा रहा है। हितग्राही सुखमती सेमर ने कहा कि मकान आधा बना हुआ है और हम नगर पालिका दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर पंकज डाहिरे ने तत्काल समस्या दूर करने के निर्देश जारी किए हैं। से 2-3 साल हो गए कि घर टोर वहाँ है, आज डलत पैसा, आज डलने वाला रही से कंप्यूटर में भी डल गए कहीं से, वो पैसा कहाँ गई से मोर खाता में नहीं आए से, ओकर नाम से मैं भटकर आ जा रहा हूँ। नगर पालिका के अध्यक्ष और सीमो के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिस वार्ड में जीते हुए हैं उस वार्ड के हितग्राहियों को वंचित करते हुए केवल उस वार्ड के नाम से अपने चहेते लोगों को उस वार्ड के हितग्राहियों को किस्त प्रदाय की जा रही है। इसमें ज्ञापन मिला है नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास में कुछ इनकम्प्लीट थर्ड इंस्टॉलमेंट के नाम से मिला है। सीएमओ से बात हुई है और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने पर इनका भुगतान कर दिया जाएगा बताया गया।